मैं 8 महीने से इग्नोर कर रहा था। मेरी वाइफ को टारगेट करते करते वो मेरे पेरेंट्स को भी टारगेट कर रही है, मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया जा रहा था ज़्यादा कि मेरे के बारे में रहा। अभी उसके हस्बैंड ने बहुत गंदी गंदी स्टोरी डाला, गाली वगैरह लिख के, पर नहीं मुझे बोला कि लीगल एक्शन लो। टाइम से मैं चीज़ें घर की इग्नोर कर रहा था, सोचा था कि घर की इज्जत बाहर ना जाए, पर देख रहा हूँ फैमिली को इन्वॉल्व किया जा रहा था ज़्यादा कि मेरे के बारे में रहा। मेरी बहन के हस्बैंड ने गाली वगैरह डाले और फालतू फालतू वीडियोस वगैरह डाल के, तो अभी मेरे डैडी नहीं खुल पर देख रहा था कि मेरी वाइफ को टारगेट करते करते वो मेरे पेरेंट्स को भी टारगेट कर रही है। अभी उसके हस्बैंड ने बहुत गंदी गंदी स्टोरी डाला, गाली वगैरह लिख के, तो मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ा। और मेरे डैडी ने, मेरे अब्बा ने ही मुझे बोला कि लीगल एक्शन लो। तो अभी मैं मेरी टीम के साथ में आया हूँ यहाँ पे, डिफेमेशन मैंने केस फाइल किया। लेकिन आपके डैडी ने बोला कि आपकी जो बहन है वो नहीं कर रहे, उनके ससुराल वाले उनको आगे कर रहे हैं, इंस्पेक्टर फोन नहीं है। मैं तो FIR कर दिया हूँ भाई, अभी क्या है कौन करा रहा है वो तो सच सामने आ ही जाएगा, सब एविडेंस और सब मैटर के साथ में पास है उस चीज़ के आगे। लेकिन आपको लगता है कि मैटर है जब फैमिली का जब बाहर आता है तो एक जन को शांत हो जाना चाहिए, जब एक जन ऐसा होता है। आठ महीने से चल रही है, मैं 8 महीने से इग्नोर कर रहा था। शादी के जस्ट पहले मेरे को धमकियाँ आती है, मिंडरी की बात करो, माफी मांगो, नहीं तो ऐसा ये चीज़ें हो, वो सब चीज़ें आगे सब चीज़ का एविडेंस है, सब मैंने मेरे टीम को दिया है और हमने सब ग्रुप के साथ में इन्फॉर्मेशन फाइल किया है। अभी बहुत ही जल्द चलो ठीक है। हो गया भाई, हो गया तो यार।